You guys not ready for this. Hey guys, welcome back another review. Movie का नाम है Kill, जो कि finally theater में आ चुका है, जो आने वाला था 2020 में, but delay होते होते पता ही तुम्हें कोरोना की वजह से delay हो गया, या फिर शायद 2020 में इसका shooting होना चालू हुआ, पर जो भी है वो आने तो वाला था बहुत पहले, but आया ही नहीं। Wikipedia से इसका history छुपा दिया गया है, पता नहीं क्यों, but दिया गया है क्योंकि इसका history काफी लंबा है, but जो भी हो 2023 में Hollywood Toronto Festival में इसका प्रीमियर हुआ था, उधर वो People's Choice Award का फास्ट रनअप भी बना और उधर लोगों ने बहुत तारीफ भी किया और इसका एक Hollywood remake भी बनने वाला है। हाँ सीरियसली सोचो कितना अच्छा मूवी हो सकता है, जिस वजह से इसका रीमेक बनने को तैयार हैं हॉलीवुड वाले और जो प्रोडक्शन वाले ये बनाना चाहते हैं उन्होंने पहले जॉन विक मूवी भी बनाया था। तो अब मूवी की बात करते हैं। देखो सिंपल वर्ड में बोलूंगा मूवी बहुत ही अच्छा है। ये मूवी बेचा जा रहा है यही बोल के कि ये इंडिया का सबसे ब्रूटल और एक्शन मूवी है और जो कि सच में हैवी, बिल्कुल भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करता, तुम्हें तगड़ादार एक्शन देखने को मिलेगा। देखो तुम सिंपल से बॉलीवुड के जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्शन की बात करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे मन में कौन सा नाम आएगा? मेरे मन में आता है रॉकी हैंडसम। मुझे पता है वो नाइफ और गन का था, बट उसमें जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाया गया है वो बहुत इंप्रेसिव था और उसमें थोड़े टाइम के लिए था, बट इसमें पूरे मूवी में तुम्हें वो ही मिलेगा। मूवी बस 1 hour 45 minutes का है और जिसमें तुम्हें 15 minutes सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस या फिर कह सकते हो स्टार्टिंग का जितने भी चीजें दिखाना है वो दिखा देते हैं, उसके बाद पॉइंट पे आ जाते हैं। तुमने अगर ट्रेलर देखा है तो तुम्हें मूवी का प्लॉट पता ही होगा, अगर नहीं देखा सिंपल से तुम्हें बता देता हूं। जिसके अंदर क्या होता है, एक ट्रेन है जिसके अंदर कुछ रॉबर घुस जाते हैं, एक्चुअली कुछ नहीं बहुत सारे रॉबर घुस जाते हैं, ऑब्वियसली रॉबरी कर रहे हैं, वो अपना काम बखूबी करते हैं और बहुत ब्रूटल तरीके से करते हैं, सीरियसली वो ब्रूटल है। उसके अंदर लड़की है जिसका बॉयफ्रेंड एक आर्मी कमांडर है और वो उसे बचाना जाता है। पहले तो मूवी के एक्शन की बात करूंगा, एक ट्रेन जिसके अंदर छोटे से जगह होता है उसी के अंदर पूरा फाइट है, पूरा फाइट सीक्वेंस सब कुछ है और जो कि बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का कोरियोग्राफ किया गया है और ट्रेन के अंदर जितने भी छोटे मोटे चीजें होते हैं वो बाखूबी इस्तेमाल होता है मूवी के अंदर। और जो कैमरा वर्क है कुछ जगह पे बहुत ज्यादा फास्ट चले जाते हैं जिस वजह से कुछ चीजें तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर ज्यादातर चीजें तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें दिखेगा कि वो ब्रूटलिटी कैसे दिखा रहे हैं। और ट्रेन के अंदर जितने भी कैरेक्टर है उनका भी इस्तेमाल होता है, उनका रिएक्शन, उनका डायलॉग या फिर कह सकते हो उनका इमोशन काफी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है और वो फाइट के अंदर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट भी करते हैं, तो जिस वजह से तुम्हें मूवी पूरा बांध के रखता है, तुम्हें 1.5 घंटे बिठा के रखेंगे कहीं नहीं जाने देगा, तुम बैठ के देखोगे तुम्हें मजा आएगा और जो एक्शन तुम्हें दिखेगा वो तुम हॉलीवुड से कंपेयर कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात, मूवी के स्टोरी के नाम पे कुछ होता नहीं है, वही जो प्लॉट है वही चीज है, बट मूवी फोकस करते हैं एक्शन पे जो कि बखूबी डिलीवर करता है और तुम्हें मजा दिलाता है। अब देखो म्यूजिक व्यूजिक बाकी जितने भी कुछ हैं वो कुछ खास नहीं है, बस काम चलाओ है। अब एक्टिंग के मामले में बात करूंगा तो सारे कैरेक्टर अपना काम ठीक ठाक ही करता है, बट हाँ जो अपना मेन कैरेक्टर है लक्ष्य है उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छा किया है और ये मूवी उनका डेब्यू फिल्म है और जो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ रहा है, इनका फ्यूचर शायद ब्राइट हो सकता है इसके बाद से। और दूसरा जो कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिनको देख के मैं शॉक्ड हूँ, वो है राघव, जिनको हम लोग डांस की वजह से जानते थे, उनका एक्टिंग देख के मैं शॉक्ड हो गया, सीरियसली क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। तो मूवी के अंदर कुछ बताने के लिए है नहीं, जितना कुछ है मैंने बता दिया। तो ओवरऑल मैं मूवी के बारे में बोलूंगा मूवी कमाल का है, सिर्फ एक्शन के मामले में, तुम्हें अगर खून खराब है एक्शन और ब्रूटेलिटी देखने में मजा आता है, रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मूवी के अंदर की बात कर रहा, तुम्हें अगर पसंद है तो हाँ ये मूवी तुम्हारे लिए है। सिंपल सी बात, जाओ एक अलग सा एक्सपीरियंस लेके आओ, तुम्हें बॉलीवुड में हॉलीवुड लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा, देखो और देख के आके मुझे जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये मूवी और मेरा रिव्यू कैसा लगा ये भी बता देना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी दबा देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और एक वीडियो के साथ। नाउ बाय बाय, टेक केयर।